वेलकम टू मोटर रिव्यूज। आज बात करेंगे टीवीएस की तरफ से आने वाली ऑल न्यू अपाचे आरटीआर 165 आरपी। रिसेंटली टीवीएस ने अपाचे आरटीआर 164V को लॉन्च किया है विद न्यू चेंजेस एंड टीवीएस अब अपाचे आरटीआर 165 आरपी को भी जल्द लॉन्च करेगा। रिसेंटली टीवीएस ने इसका नेम भी रजिस्टर कर लिया है। अपाचे आरटीआर 165 आरपी अपाचे आरटीआर लाइनअप का सबसे ज़्यादा एडवांस बाइक होगा, मीन्स ये बाइक आरटीआर सीरीज का प्रीमियम मॉडल होगा। तो ओवरऑल इसमें आपको क्या कुछ नए फीचर्स मिलेंगे, प्राइस कितना होगा एंड इसे ऑफिशियली लॉन्च कब किया जाएगा, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपाचे आरटीआर 165 आरपी के डिज़ाइन की। ओवरऑल डिज़ाइन स्ट्रीट नेकेड लुक में होगा। इंजन एंड चेसी फ्रेम सेम अपाचे आरटीआर 164V वाला ही मिलेगा, बट इसमें आपको ज़्यादा पावर के साथ न्यू फीचर्स भी ऑफर करे जाएंगे। इसे आप काफ़ी एडवांस वर्जन भी कह सकते हैं। ओवरऑल हेडलाइट का डिज़ाइन कम्प्लीटली नया होगा जो कि और भी ज़्यादा अग्रेसिव लुक प्रोड्यूस करेगा। ब्रेक लीवर एंड क्लच लीवर को भी आप इजीली एडजस्ट कर सकेंगे। मीटर कंसोल इसमें आपको टोटली अपडेटेड मिलेगा विद कलर डिस्प्ले एंड राइडिंग मोड्स की ऑप्शन भी मिल जाएगी, जैसे रेन मोड, सिटी मोड एंड पावर मोड। बाकी रेयर में टेल लाइट का डिज़ाइन कम्प्लीटली नया होगा। पावर एंड टॉर्क फिगर इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इंजन को रीट्यून किया जाएगा एंड इंजन कूलिंग टेक्नोलॉजी इसमें आपको ऑयल कूल मिलने वाली है। सस्पेंशन फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक एंड रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक मिल जाएगा। फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक का साइज सेम होगा। अपाचे आरटीआर 165 आरपी के अगर हम फीचर्स की बात करेंगे, फ्रंट में रीडिज़ाइन एलईडी हेडलाइट के साथ एलईडी डीआरएल्स भी मिल जाएंगे। फुली LCD कलर डिजिटल मीटर कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ऑफर करी जाएगी। फ्रंट में सिंगल चैनल ABS के साथ स्प्लिट सीट भी मिल जाएगी। टॉप स्पीड इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू RTR 164V के कंपैरिजन में। अपकमिंग अपाचे RTR 165 RP का डायरेक्ट कंपटीशन होगा यामा MT-15 के साथ। RTR 165 RP के अगर हम इंजन एंड स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, इंजन इसमें आपको सेम 4V वाला ही मिलेगा, बट इसमें आपको एयर कूल की जगह ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी अब मिलने वाली है। डिस्प्लेसमेंट इसमें आपको 159.7 cc का ऑयल कूल इंजन देखने को मिलेगा एंड पावर भी ये बाइक ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा 2 HP तक। टॉर्क भी इसमें आपको ज़्यादा जनरेट कर देगा 1.5 न्यूटन मीटर तक। नंबर ऑफ गियर्स इस बाइक में आपको सेम 5-speed गियर ही मिलेंगे। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी इसमें आपको सेम 12 लीटर तक ही मिलेगी। ओवरऑल अब हाई स्पीड पे आपको कोई भी वाइब्रेशंस नहीं फील होंगे। RTR 165 RP बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक होगा। कलर ऑप्शन इसमें आपको मैट कलर से लेके ग्लॉसी कलर की ऑप्शन मिल जाएगी। टीवीएस अपाचे RTR 165 RP की अगर हम प्राइसिंग की बात करेंगे, इसका प्राइस आपको 1,20,000 के इन बिटवीन देखने को मिलेगा। कंपेयर टू न्यू अपडेटेड अपाचे 164V के कंपेरिजन में आपको इसके लिए 5,000 रुपये ज़्यादा देने होंगे, क्योंकि जो न्यू अपाचे आरटीआर 164V का प्राइस है वो है 1,15,000। बट इसमें आपको ऑल न्यू फीचर के साथ पावरफुल इंजन भी अब मिलने वाला है। एंड अब बात करते हैं इसके लॉन्च की। अभी इसकी कोई भी टेस्टिंग पिक्चर नहीं लीक हुई क्योंकि टीवीएस के पास अपना रेसिंग टेस्टिंग ट्रैक है, तो इसे स्ट्रेट अवे ही रिवील कर दिया जाएगा। सो इसका लॉन्च आपको जनवरी 2022 तक देखने को मिलेगा, नेक्स्ट ईयर तक। तो आप अपाचे आरटीआर 165 आरपी के वेट कर सकते हैं लॉन्च की, क्योंकि बहुत ही जल्द टीवीएस इसे इंडिया में लॉन्च करने वाली है। तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपसे डिस्कस की। स्टिल आपके को डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस है आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं।